आज हम चूरमा मोदक बना रहे हैं। इसके लिए मैंने दो रोटी बना ली थी तवे पे गेहूं के आटे की, और उसको मैंने इस तरह से ग्राइंड करके रख लिया है उसका चूरा बना के। और ये गुड़ जैगरी पाउडर है, तो घी डाल दिया मैंने इसमें, और ये जैगरी पाउडर है जो मैं मेल्ट कर रही हूँ। ये एक कटोरी के करीब जैगरी पाउडर लिया है इसमें मैंने। इसमें मैं ये एक चम्मच के करीब दूध डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ मावा है भुना हुआ, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं इसको। फ्रेंड्स ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं ये चूरमा ऐड कर रही हूँ, और इसको ठंडा करने के बाद मैं इसकी मोदक बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है हमारा। इसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़ा सा ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हैं रोस्ट करके, हल्के से कच्चापन निकल गया था इनका। अब इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। फिर इसकी बॉल्स बना के रख रही हूँ। फ्रेंड्स ये लड्डू बन चुके हैं हमारे। अब इनको मोदक की शेप दे रही हूँ मैं। ये प्लास्टिक की थैली ली है मैंने, और इसको मैंने हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया था, और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करती जा रही हूँ एकदम टाइट। ये देखिए इस तरह से ये शेप बन गई है मोदक की। इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से कर दूंगी ना, ये मोदक की शेप बन गई है देखिए। एक बार और मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये देखिए ये आटे के हेल्दी मोदक बन के तैयार हो चुके हैं। इस तरह से मैं सारे मोदक बना लूंगी। फ्रेंड्स अब मैं दूसरे वाले मोदक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को ग्राइंड कर लिया था, और ग्राइंड करने के बाद उसमें मिल्क पाउडर मिलाया थोड़ा सा, और हल्का सा उसको रोस्ट कर लिया था, फिर मिल्क पाउडर और थोड़ा सा पिसी हुई चीनी मिला के, और थोड़ा सा एक चम्मच दूध डाल के इस तरह से कंसिस्टेंसी में ये बॉल्स बना ली मैंने। इसमें हल्दी डाल दी थी, और ये बीट रूट से बना हुआ है। तो ये अब मैं इसके मोदक बना रही हूँ। कोकोनट मोदक बन रहे हैं हमारे। ये देखिए लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे दो तरह के मोदक बन के तैयार हो चुके हैं। आप बताइए कैसे बने हैं ये। सिंपल फॉर्म में बनाए मैंने आटे से और कोकोनट से।